तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। एक दूसरा शिप था जिस शिप में गड़बड़ यहाँ पे लगता है, तो हमारा शौक करे ना अपने नाइट वॉचर्स को लेकर उस शिप पे आ जाता, तो कहता अपना अपना खड़ा कर लो क्योंकि यू आर अंडर अरेस्ट। तो शिप का एक बंदा कहते कि अरे नाइट वॉचर्स लोग क्या हो गया यार। हमारा शौक करने कहता भाई तू है कौन, पहले वो बता। वो भी कहते जो शिप है ना, समझो शिप का कैप्टन यहाँ पर हूँ जो कि आयन ओर है ना, आयन ओर यहाँ से ट्रांसपोर्ट दूसरे एरिया में कर रहा हूँ। हाँ तो हमारा दूसरा टीममेट देखते कि हाँ भाई जिनके एरिया में ना आयन ओर यहाँ पे पाया जाता है वो लोग ट्रांसपोर्ट यहाँ पे करते रहते हैं, लेकिन शौक को आई डोंट नो क्या हो गया उसने शिप यहाँ पे कहीं को रुकवा दिया। हमारा मेक कटर नोटिस करते जो शिप है ना ये अभी भी रुका नहीं है, ये अभी भी चले जा रहा है। वाह यार इंटरेस्टिंग, सुनो यार जल्दी से जो शिप है ना शिप यहाँ पे रुक दो। तो नाइट वॉचर्स लोग ना शिप यहाँ पे रुक देते हैं और वही जो कैप्टन था ना कैप्टन से कहते दबाओ जब तुम्हारे शिप पर कोई पुलिस वाला या कोई नाइट वॉचर यहाँ पर आए ना तुम्हारा काम है उसको रोकना, लेकिन तुमने रोका नहीं क्यों। वो भी कहते कि मेरे को जॉब यहाँ पे मिली थी सामान ले जाने का तो मैं लेके जा रहा था, अचानक से नाइट वॉचर्स को देख के डर गया और जिसके चक्कर में ध्यान यहाँ पे नहीं रहा, तो सॉरी मुझसे गलती यहाँ पर हो गई। हमारा मेक कटर कहता चलो चलो इसमें मैंने गलती तुम्हारी माफ़ी यहाँ पे कर दी, और अभी के लिए तुम्हारा जो कैबिन है ना उस कैबिन में मुझे यहाँ पर लेके चलो। मनीमन सोचते बिल मुझे गड़बड़ यहाँ पे लगी तो मैंने शिप को रोका, लेकिन अगर गड़बड़ यहाँ पे ना हुआ तो मैं फंस सकता हूँ क्योंकि पानी में जो भी कांड होता है ना वो कांड हम नाइट वॉचर्स को देखने का बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं है। फनी जो कैबिन है ना कैबिन में चल जाते हैं जहाँ पे सामान वगैरह पड़ा हुआ था वही आयन ओर जो कि ट्रांसपोर्ट किए जा रहे थे, आयन ओर चेक किया जाता है कि भाई इसमें तो ओर बहुत ही बढ़िया है। हमारा मेक कटर कहते दूसरे बक्से यहाँ पे चेक करो, तो दूसरे बक्से भी चेक किए जाते हाई क्वालिटी का आयन ओर यहाँ पे पड़ा हुआ था। जो देखते ही अपना जो टीममेट जो कि शादी वादी करना चाहता था पैसा जो जमा कर रहा था वो कहता है कि सुनो यार यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही हाई क्वालिटी के आयन ओर यहाँ पे पड़े हुए हैं, गड़बड़े। हमारा मेक कटर कहते हैं भाई हाई क्वालिटी का तो अच्छी बात है ना भाई, तो इसमें गड़बड़ की क्या बात हुई। वो कहते हुए तो यार ये जो आयन ओर रहते हैं ना वो लोग क्वालिटी के बेसिस पे नहीं बल्कि जितना वजन रहता ना उस बेसिस पे माने जाते हैं, यहाँ पे वजन के मामले में ज़्यादा हाई नहीं है बल्कि क्वालिटी के मामले में ज़्यादा हाई है। जो आयन ओर होता है ना एकदम सोने जैसा होता है, 24 कैरेट है ना सबसे प्योर माना जाता है, लेकिन कोई भी 24 कैरेट यहाँ पे यूज़ नहीं करता क्योंकि 24 कैरेट भी है ना बहुत ज़्यादा यूजलेस हो जाता है, वैसे ज़्यादा क्वालिटी का आयन ओर भी है ना यूजलेस हो जाता है, उसमें लो क्वालिटी का या यहाँ वहाँ का ओर यहाँ पे मिलाया जाता है, लेकिन ये पूरा का पूरा हाई क्वालिटी का पड़ा हुआ है तो गड़बड़ यहाँ पे लग रहा है। हमारा शौक को देखता हाँ इतना साइंस तो मुझे भी आता है, मैंने भी अपने स्कूल में पढ़ा था, तो यानी कुछ ना कुछ तो गड़बड़ यहाँ पर है, लेकिन क्या गड़बड़ है। सुनो यार जल्दी से अपने गाड़ी के जहाज के और पूरा बिजनेस का पेपर लेकर आओ, तो पेपर ला के दिया जाता है। ये पेपर चेक करते कि भाई पेपर भी सब कुछ यहाँ पे ठीक है यार, पेपर में भी गड़बड़ नहीं है। कैप्टन कहता भी गड़बड़ क्या होगा, हमने सामान यहाँ पर लिया और टेलीपोर्ट करने के लिए निकल गए डेड शीट। तभी हमारा मेक कटर कहता किचन में लेके चलो, तो किचन में ले जाया जाता जहाँ पे हरी हरी ताजी ताजी सब्जियाँ थी। जो देखकर हमारा मेक कटर कहता है हाय क्या सब्जियाँ है भाई, एकदम मजा ही आ गया इसको देखकर। क्या ना जो हमारे शिप पे सब्जियाँ पड़ी हुई नहीं थी, क्या ना भाई मच्छी खा करके एकदम बेकार लगने लगा, जो स्मेल यहाँ पे था ना स्मेल इतना बदबूदार कि मैं क्या बताऊँ आप लोग को, बदबूदार स्मेल से फर्क नहीं पड़ता क्या। तो वो सभी बहाना बनाते कि अरे हम लोग क्या ना हमेशा नदी के ऊपर यहाँ से वहाँ बिजनेस करते रहते हैं, हाँ तो नदी के अंदर जो स्मेल है ना भाई मच्छी का हमको आदत ही हो गई है सूंघने की, हमको फर्क यहाँ पे नहीं पड़ता। हमारे मेक कटर कहते कि नहीं मैंने तो ऐसा सुना है जो बंदे लोग ना नदी में ज़्यादा ट्रैवल करते हैं उनको सूंघने की आदत नहीं होती, उनके पास कोई तरीका होता है जिससे ना स्मेल की बदबूदार चीज़ें ना गायब कर सकती है, तुमको नहीं मालूम क्या। यानी झूठ बोल रहे हो, एक्सपोज हो गए तुम लोग। वो जो कैप्टन यहाँ पे था कैप्टन पे अटैक करके उसको पकड़वा देता है अपने बाकी नाइट वॉचर्स से, कहते सुनो जितने भी शिप पे बंदे ना सारे के सारे बंदे लोग को पकड़ लो, तो सारे बंदे लोग को पकड़ लिया जाता है। जैसे सारे बंदे पकड़ा जाते हैं उसको समय बाद ना जियांग भी आता है, गवर्नर जांग भी आता है, जियांग पूछता बताओ यार क्या हो रहा है। हमारा शाओ कैन कहते जो शिप है ना ये शिप है कुछ तो गड़बड़ है, अब एग्जैक्टली क्या गड़बड़ है ना वो समझ यहाँ पे नहीं आ रहा। जो सुनते जियांग कहता है अच्छा ऐसी बातें कहते, लेकिन मुझे ये बताओ तुझे कैसे मालूम चला कि भाई इनके शिप है कुछ ना कुछ तो गड़बड़े। हमारा मेक कटर कहते कि भाई स्कॉलर लोग का टेक्निक होता है ना जिससे और देखकर पता लगा सकते हैं, हाँ तो मैंने वही टेक्निक यहाँ पे यूज किया था पेपर द्वारा, और इनका जो ऊपर से और महसूस हो रहा था ना वो लाल लाल यहाँ पे था, कंप्लीटली लाल था, जिससे साफ साफ मालूम चल गया कि भाई गड़बड़े। हाँ तो जियांग को याद था हाँ भाई ये जो टेक्निक है ना या तो खाली स्कॉलर्स को आता है या तो सीड के लोग को आता है, नहीं ये स्कॉलर है और नहीं ये सीड का मेंबर यहाँ पर है, पक्का किसी और ने वो लिख के दिया होगा पेपर पे, जिसने भी लिख के दिया होगा हाई लेवल का बंदा होगा यार, हाई हाई लेवल के बंदे लोग के साथ ना इसकी जान पहचान यहाँ पर है। चलो कन्फर्म करवाते हैं सीड के भी मेंबर है ना हमारे शिप पर, चलो भाई कोई सीड का मेंबर है जिसको ये टेक्निक आती है क्या, कोई रिप्लाई नहीं देता। तो ये जानबूझ के एक बंदे को पकड़ के अपने पास बुला के लेके आता हूँ, कहते तुझे आती है आई नो, जल्दी से अपना वो टेक्निक आजमा और देख कौन सा हो रहा है यहाँ पे महसूस हो रहा है। तो वो लड़के को भी मनी मन गुस्सा आता है कि भाई ये क्या बदतमीजी है जबरदस्ती मुझसे काम करवाया जा रहा है। शाओ कैन भी कहता भाई प्लीज कर देना यार, तो वो भी चेक करता है उसको भी सेम लाल लाल ही और महसूस होता है, इसलिए कहता लाल है पूरा ठेला लाल है, आई मीन लाल और महसूस हो रहा है, यानी कोई ना कोई तो गड़बड़ है। जियांग कहता भाई यार सच्ची में गड़बड़ निकल गया, शाओ कैन बस ये और का था कुछ गड़बड़ ये कुछ और भी गड़बड़ तुझे दिखा। हमारा शाओ कैन कहता यस और भी गड़बड़ दिखा, जब अंदर मैंने चेक किया ना तो अंदर है ना
लड़ाई के निशान यहाँ पे बने हुए थे और ये काफ़ी ज़्यादा नया नया लग रहा है, यानी कुछ समय पहले ही लड़ाई हुआ था। ये पहला गड़बड़। सेकंड गड़बड़, इनका ये कहना है कि भाई ये लोग हमेशा बिजनेस करते रहते हैं, हमेशा नाव से यहाँ वहाँ आते रहते हैं, हाँ तो मच्छी की जो स्मेल है ना उसका आदत हो गया है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, एक तरीका होता है जिससे तुम मच्छी का जो स्मेल है ना वो हटा सकते हो, लेकिन इनको वो तरीका भी नहीं मालूम। और जितना मैं जो जैसे इन्होंने हमको देखा था ना वैसे अचानक से एकदम डरने लगे, और जो सवाल का मैं पूछता हूँ उसका भी ये कोई ना कोई जवाब देते हैं, जो मैं करने को बोलता हूँ वो करते ही है। लेकिन जब कोई जबरदस्ती जाके ऐसा सवाल पूछता या कुछ करने की कोशिश करता ना, सामने वाले मना करते कौन हो क्यों किए जा रहे हो, इन्होंने कुछ भी यहाँ पे नहीं पूछा। तो यही सब मुझे शक गया। तो ये सारी बातें सुनने होते ना जीएम भी कहता है वाह यार देखा जाए तो हाँ सही बात बोला भाई, गड़बड़ तो यहाँ पे लग रहा है। मेरे को आइडिया नहीं लगा लेकिन शाओ के उनको आइडिया यहाँ पे लग गया। और जो कैप्टन यहाँ पर नाम कैप्टन भी होश यहाँ पे था, उसको लात मार के जगाया जाता है तो वो भी जग जाता है। और जैसे वहाँ पे जगता है ना हाँ तो उसे पूछा जाता है बोल हमारे सवाल का सही सही जवाब यहाँ पे थे। तो पहली बात तो बंदा कन्फ्यूज की भाई इतना जल्दी मैं एक्सपोज यहाँ पर हो गया। तो हमारा जी एम कहता भाई सवाल के जवाब देना तेरे उंगलियाँ काट कर कुत्तों को खिला दूंगा। वो भी कहता कि नहीं मैं जवाब यहाँ पे देता हूँ। हाँ तो बात दरअसल ये है कि मेरा नाम फांगी है और जो येल्लो गैंग है ना उस गैंग के लिए काम करता हूँ और अपना पेट पालने के लिए। जो सुन दे जी एम कहता है पेट पालने के लिए, तो पेट पालने के लिए जो नाव के लोग हैं उनको मार के नाव पे तो पूरा कब्जा कर लेगा। वो भी कहता सॉरी यार हमसे गलती यहाँ पर हो गई, क्या ही कर सकते क्या ना, हम लोग मेन बंदे यहाँ पे नहीं है, मेन बंदे का नाम पता है क्या है, गैंग यून यहाँ पर है। उसने मुझे बोला कि एक शिप है जो कि कैपिटल सिटी में जा रही है, आयन और यहाँ पे टेलीपोर्ट कर रही है, एक काम यहाँ पे कर भाई तुम लोग कब्जा करो शिप को, जो भी लोग ना सबको मार डालो और शिप पर है ना तुम लोग कब्जा यहाँ पे कर लो। तो हमने वैसे ही यहाँ पे किया। तो जैसे लोग सुनते भाई गैंग यून यानी देखा जो इतना बड़ा क्राइम हो रहा था और जो मेन आदमी है ना उसके बारे में भी आइडिया लग गया। और तभी वो जो बंदा था ना कैप्टन निकाल के पैसे देता है और जो पैसे थे ना 300 चांदी के सिक्के यहाँ पे थे, रिश्वत देना चाहता था। हमारे नाइट वॉचर्स देखते हैं कि वाह यार ये हमको रिश्वत देके हमारा मुंह है ना शांत यहाँ पे करना चाहता है, क्या ही कर सकते भाई हम जैसे जो नाइट वॉचर्स है ना वो रिश्वत ले लेकर ना बहुत ही ज़्यादा बुरा बुरा काम यहाँ पे करते। तो इसको भी लगता है रिश्वत देगा और हम आराम से रिश्वत ले लेंगे, लेकिन कोई नहीं लेता। तो वो बंदा भी कैप्टन भी कन्फ्यूज कि भाई क्या हो रहा है, इससे पहले जिस बंदे को रिश्वत देते थे सब ले लेते थे, ये लोग लेकर को नहीं ले। इसलिए हमारा शौक कौन कहता रिश्वत दे के कोई भी मतलब नहीं है, हम सब तेरे रिश्वत के जाल में आने वाले नहीं है। अगर सच्ची में तुमको ऐसा कोई बुरा काम करना था, शिप के सारे आयन ओर को यहाँ पे कब्जा करना था, तुम ऐसा कर सकते थे कि तुम ये कर सकते थे किसी ऑफिशियल बंदे के साथ मिलकर ना धोखाधड़ी से रास्ते में गायब कर सकते थे भाई, बाकी लोग को मारना, उनके बदले शिप पे कब्जा करना और फिर जाके निकल जाना, इसमें कितना ज़्यादा रिस्क है तुझको आइडिया नहीं लगा क्या? हमारे शौक क्यों इनको आइडिया लग जाता कि अच्छा मुझे आइडिया लग गया क्या, अगर रास्ते में सारा आयन ओर यहाँ पे गायब करते ना तो ये शक हो जाता कि भाई सारा आयन ओर यहाँ पे गायब हो गया, मगर कहाँ से कैसे। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक शिप पे कब्जा किया, शिप के जो बंदे लोग थे उनको मार डाला और उनके बदले खुद यहाँ पर आ गए, जिससे बंदे लोग को शक भी नहीं हो कि भाई शिप तो है, शिप के तो बंदे लोग भी है। हाँ तो ये आइडिया इनका यहाँ पे था। तो बताओ ये जो आयन ओर है ना तुम इसका क्या करने वाले थे? जो सुनते वो कहता है कि वी डोंट नो यार, क्योंकि हमारा काम था एक एरिया में ले जाकर छोड़ देना, जैसे उस एरिया में छोड़ देंगे वहाँ से दूसरे बंदे आएंगे जो इनजू एरिया के अंदर नाम पहुँचा देंगे। तो जैसे हमारा मैं कटर सुनता भाई इनजू इनके मामले में भी इनजू ही आ रहा है, और तभी ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। जो केस हमारा मैं कटर सॉल्व करने जा रहा है वो और इस केस के अंदर कोई सिमिलरिटी है क्या वो हमको बाद में मालूम चलेगा। अगर मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।